फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, स्टोरी बिल्कुल चेंज होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, एफसन और इमेर का क्या बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स इमेर है और एफसन को अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बताना चाहता है, उसको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स एफसन उससे रोक देती है और उसे झूठ बोलती है कि उसकी लाइफ में कोई और है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इमेर एफसन को बताएगा कि नहीं, लेकिन एफसन को पहले ही पता है कि इमेर से क्या बात करना चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स सब कुछ एफसन कर रही है सेक्रीफाइस सेवदा के लिए, क्योंकि उसको पता लग गया उसकी इलनेस के बारे में और वो अभी भी इमेर को जो है वो चाहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इमेर एफसन का रिलेशनशिप इस सारी ट्रेजेडी की वजह से कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा और क्या बनता है इन दोनों की स्टोरी में। होप करते हैं कि फ्रेंड्स इमेर और एफसन बिल्कुल भी सेपरेट ना हो और जो सेवदा है वो जल्द से जल्द स्टोरी से चले जाए, क्योंकि फ्रेंड हो सकता है कि वो एफसन को यूज़ करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब देखिए फ्रेंड, एफसन को भी उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एफसन ने उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया और उसकी वजह से खुद पीछे हो गई है और खुद भी वो बहुत ज़्यादा सैड है और इमेर से झूठ बोल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इमेर भी उसकी बातों पर इतनी आसानी से जो है ट्रस्ट नहीं करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इमेर कैसे पता लगाता है जो एफसन है उससे झूठ क्यों बोल रही है और क्या बनता है इन दोनों की स्टोरी में। होप करते हैं कि फ्रेंड इमेर और एफसन बिल्कुल भी सेपरेट ना हो और जो राइटर है उसको भी सारी चीज़ों को और ज़्यादा ट्रैक नहीं करना चाहिए और सेवदा को लेकर इमेर और जो है एफसन को उसको बिल्कुल भी सेपरेट नहीं करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बिन्नूर सब कुछ जानती है, तो होप करते हैं कि वो इमेर को सब कुछ बता देगी, क्योंकि वही इमेर को सब कुछ सच बता सकती है। और जो एफसन अब देखें एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही है, तो देखिए उसमें से और ज़्यादा कितने चैलेंजेस होंगे और कैसे वो सब कुछ हैंडल कर पाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इमेर और एफसन का क्या बनता है और जो इमेर है अब वो नेक्स्ट क्या करेगा, कैसे एफसन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा और उसके झूठ पे यकीन करेगा, और जो सेवदा है वो क्या करती है इमेर के और ज़्यादा क्लोज रहने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो राइटर हमें क्या बिग सरप्राइज देता है अपकमिंग एपिसोड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।